तो ये अभी और एक मच्छी मिली है। बड़ा हाँ, दा दा हाथ दा। ये देखो और एक देखो मिली है देखो मच्छी, तो बहुत बड़ी बहुत मच्छी है नजारे ये। देखना भाई। माँ सासे बड़ो थे अरे हाँ लापाई इसलिए आनी जोड़ ये इस जगह वेरे बरोट्टा मार। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइज अभी मैं सुबह सुबह देखिए उठ चुका हूँ, मस्त फ्रेश हो गया सुबह सुबह उठ के। आज ट्रेडिंग में तो बैठा नहीं, आज है निफ्टी 50 का एक्सपायरी, लेकिन सुबह सुबह उठते ही मम्मी ने थोड़ा सा काम बता दिए, तो घर के लिए थोड़ा सा मार्केट सब्जी भाजी लाना है, तो मैं अभी मस्त अभी मार्केट में जाऊंगा, सब्जी भाजी लूंगा, तो बस सुबह का काम जो है वो फटाफट निपटा लेते हैं। तो अभी मैं जाने वाला हूँ मार्केट, जल्दी से जल्दी सब्जियाँ लेके आते हैं। A few moments later. तो गाइस सब्जी लाना अभी हो गया। तो गाइस अभी मैं देखो मस्त रेडी हो चुका हूँ, खाना वीना सब कुछ खा लिया था। कल रात में मैं बहुत लेट सोया था, वीडियो एडिट करते करते करीब 3:30 बजे मैं सोया था। फिर आज सुबह खाना वाना खा के फिर मैं ऐसे ही थोड़े से देर लेटा तो सो ही गया। हम जा रहे हैं अभी थोड़ा सा रिश्तेदार के घर पे, थोड़ा सा काम है, बस अभी मैं निकल ही रहा हूँ। 2 hours later. इधर मैं अभी जाली होऊंगा, देखो गड्ढा है बहुत बड़ा। कल क्या यहाँ से अभी मच्छी जो पकड़ेंगे हम लोग। ये एक जगह बोरवट्टा मांस आई थी कल के जाने हमना मछली मांस था नहीं आने दो मांस आसे थे। अरे हां लापाई इसलिए आने दो। ये एक जगह मेरे बोरवट्टा मांस आई थी काटा दे। तो अभी ऋतिक भाई पानी में उतर रहा है मच्छी पकड़ने के लिए। इधर है मौसी का घर, मौसी के घर पे आया था मैं। ये एक दोस्त है हमारा जो जाली लेके आया, अभी ये लोग इस गड्ढे से पूरा मच्छी पकड़ लेंगे। देखिए कितनी मच्छी है, क्या पांडे साहब सही है। जाली पूरा ये होके है तो उसको अभी सीधा करके अभी पानी में उतरेंगे। पानी भर के था बोलते वहां तक ऊपर तक, अभी थोड़ा सा कम हुआ है। जा पांडे साहब जा, पांडे अभी जा रहा है नीचे उतरने के लिए। इसमें अभी 3 जन होना मच्छी पकड़ने के लिए, 2 जन में नहीं होगा। आज मैं बढ़िया आया हूँ फिशिंग करने के लिए, मैं तो नहीं मेरे भाई लोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखेंगे अभी इतना सारा मच्छी मिलता है। मेरी मौसी भी उतर गई है मच्छी पकड़ने के लिए, देखो इधर ही घर है उनका, वो जो गाड़ी दिख रही है उसके पीछे मौसी का घर है, तो वो भी उतर गए मच्छी पकड़ने के लिए। जाली इतना बड़ा है दोस्तों कि एक बार में पूरे मच्छी आ जाएंगे, एक ही इसमें एक बार में पूरे मच्छी आ जाएंगे। बहुत बड़ी जाली है देखिए, और यहाँ पे जितने भी लोग अभी ये मच्छी पकड़ रहे सारे के सारे बंगाली है। मौसी देखिए उधर से, क्या मौसी आ रही है वहां से, एक बिहारी भी। हाँ एक बिहारी 100 पे भारी। ए करे नीचे तो धरो जानबो दादा पूरा पूरा जाल बसा दे। तो देखिए यहाँ से लेके पूरा वहां तक जाली खींच लिए, और वो कोने से लेके ये कोने तक जाली खींच लिए, अभी पूरा मच्छी एक साथ इस लपेट में आ जाएंगे। जाओ क्या मैं भी काट पड़े पड़े जाओ 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 जाओ, जाओ आप भी जाओ पकड़ो उसको। उसको पकड़ना पड़ता, देखो आराम से पानी गहरा है क्या इधर नहीं है। तो देखिए हमारे अंकल जी भी अभी उतर रहे पानी में, बिहारी 100 पे भारी। हो गए अंकल रेडी, चलो मारो जंप अभी पानी में। देखिए जाली कितना लंबा है, यहाँ से लेके वहां से लेके वहां तक, बहुत बड़ी जाली है। जाली ऐसा और ऐसा हो गया, अभी अभी खींच के लेके आ रहे जाली। एक कोने से जाली उठाते उठाते आ रहे, और पूरे मच्छी अभी शायद एक जगह में जमा होंगे। मेहनत करके एक मच्छी, ओ सामने तो सरो 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 लालू आया है, लालू लालू ऊपर आते हैं चले। ओ देखिए लालू मच्छी दे दे खबर नहीं सारे दिया ना जो नवार चले गए भाई। मच्छी मच्छी देखा भाई जगह, ये देख देखा ये देखिए ये वाला मच्छी मिला है अभी, बेटा बड़ो तला पास एक ही मच्छी मिली है फिलहाल में। वही वही नीचे डाल धर रखता है
फिलहाल में तो अभी एक ही मच्छी मिली है, अभी दूसरा राउंड फिर से घुमाएंगे जाली। फर्स्ट वाला राउंड जो घुमाया बहुत स्पीड में घुमा दिए लोगों ने, जाली बहुत स्पीड में खींच लिए। अभी फिर से और एक बार सेट कर रहे हैं जाली को, सेकंड टाइम फिर से अभी घुमाएंगे जाली को। चलो और एक बार हो जाए। बहुत डर लग गया मेरे को, मैं तो क्या बुदा, तो पागल है। ए जे 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 जे। अरे मैं पहली बार मच्छी पकड़ने बैठा यार भैया। ब्रेक से जाला मंदिर से यहाँ। अभी देखिए जाली डालने के पहले ही अभी मच्छी लगी है। बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था बोलते, इतना लंबा है। ओए ओए देख, ओए देख, ओए ऑर्डर नीचे, ओए ओए हां ऑर्डर इस जगह, इसे देख। डर लग गया मेरे को यार, सांप जैसा आया एकदम, इतना बड़ा था, इतना बड़ा। तो जाली अभी यहाँ से वो साइड लेके जाएंगे, वो साइड में ऐसा बिछा के फिर वो साइड से इधर खींच के लेके आएंगे जाली को। हाँ तो देखिए वहाँ पर अभी जाली को झाड़ना, मतलब थोड़ा सा वो जो कचरा वचरा लगता है ना वो साफ करना शुरू है। अभी वहाँ से मस्त बिछा के ऐसा लंबा बिछा के पूरा हमारे ये साइड खींच के लेके आएंगे। और देखो और एक मिली है मच्छी वहाँ पे, तो ये अभी और एक मच्छी मिली है, अभी देखेंगे और कौन सी मच्छी मिलती है। तो चार पाँचता बाजे बोले फुलाई मस ये और एक मिली है मच्छी, बहुत बड़ी मच्छी है ये, एक पाव की तो होंगी। और एक है पांडे जी, ये देखिए और एक मिली है, बढ़िया हीरो है भाई हमारा मच्छी पकड़ने में। टान कौन है दिली। तो अभी तीसरा टाइम फिर से जाली को खींच रहे हैं, ये साइड से ये साइड, दो बार खींचना हो गया। दूसरे टाइम में तीन मच्छी मिले, अभी तीसरे टाइम में देखेंगे। तो अभी तीसरे टाइम में एक भी नहीं मिला भाई, हो गया अभी मच्छी पकड़ना। बस जाली जो खराब हो गई थी उसको अभी धो रहे और साफ कर रहे, जो भी कचरा बिचरा लगा था साफ करके फिर जाली उठा लेंगे। बहुत बड़ी जाली है ना तो टाइम लगेगा अभी जाली धोने में। वो देखो मिली है एक मच्छी। ए भाभी एक पकड़ा मैंने। लालू है। जाल धोते वक्त मिल गया, देखो जाली में अटक के था। लो गाइस अभी फाइनली हो गया है, देखिए जाली धोना हो गया, लपेट लिए जाली और देखिए जाली कितना बड़ा है। अभी वो जाली को लेके जा रहे हैं ऊपर में, तीन जन लग रहा है एक जाली पकड़ने के लिए। अभी यहाँ पे जाली सुखाया जाएगा, अभी धो डाले ना। तो गाइस मैं फाइनली अभी घर आ चुका हूँ, और ये वाला ब्लॉग कैसे मैं डायरेक्ट घर आने के बाद शूट कर रहा हूँ, क्योंकि आज भी मेरा फ़ोन वहाँ पर डेड हो गया था चार्जिंग के कारण, चार्जिंग ख़त्म हो गई थी। मैंने वैसे भी आज फुल चार्ज करके नहीं गया था, और जो मेरी प्लानिंग बनी थी जाने की ऋतिक के घर पे वो अनप्लान था। ऐसे ही मैं उसका कॉल आया जैसे ही, वैसे ही मैं जल्दी से तुरंत में चले गया। चार्जिंग भी एक तो कम था, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा आने जाने का जो भी थोड़ा सा, और मुझे क्लिप निकालना था वो मैं निकाल नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं। तो अभी मैं घर आ चुका हूँ, तो घर आने के बाद अभी थोड़ा खाना वगैरह खाऊंगा, टीवी वगैरह देखूंगा, तो थोड़ा सा आराम करूंगा। खाना हो चुका है कंप्लीट। एक बार मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं अभी क्या देख रहा हूँ। ये देखिए खुद का वीडियो देख रहा हूँ मैं टीवी पे लगा के। देखिए ये मैं ही छू, खुद के वीडियोस देख रहा हूँ यूट्यूब पे, मैंने जो पहले अपलोड करके रखा था। खुद के वीडियोस देखने का रीज़न ये है कि देख रहा हूँ कि मेरी गलतियाँ कहाँ पर है, मुझे किस तरीके से बात करना था, क्या इम्प्रूवमेंट करना है, क्या चीज़ नहीं, वो सब कुछ नहीं किया। खुद के वीडियोस मैं यूट्यूब पे देख के वो सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा भी लग रहा है खुद के वीडियोस देख के, और मतलब ऐसा भी लग रहा है कि नहीं थोड़े कुछ चीज़ें मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और मतलब कैसा भी नया नया तो मैं अपना चैनल शुरू ही किया हूँ, नए चैनल के हिसाब से काफ़ी अच्छा मैं बोलने लगा हूँ ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं इतना कभी बोलता नहीं था, वो भी व्लॉग में। और ऐसा कभी मोबाइल में मैं शूट करूँगा व्लॉग के थ्रू, ऐसा कभी मैं सोचा भी नहीं था। और जब शुरू तो कर लिया हूँ, और करने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं शायद अच्छा कर रहा हूँ, वो व्लॉग में देख के टीवी में देख के ऐसा मुझे फील हो रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा होगा आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। नए लोग जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद आप लोग बताओ कि मेरे वीडियोस कैसे हैं, मुझे इम्प्रूवमेंट और क्या करना चाहिए, किस तरीके के वीडियो बनाना चाहिए। वैसे तो हमारा चैनल डेली व्लॉग का है,
हम तो डेली व्लॉग्स रोज बनाते हैं, रोज हम हमारे चैनल पर नए नए वीडियोस अपलोड होते हैं रोज के रोज सुबह 8:05 में। कभी कभार इधर उधर टाइम हो जाता है, कभी कभार घर की लाइट नहीं होती है, वाईफाई बंद होता है, जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ। और कभी कभार कुछ ना कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम हो जाता है, या मैं सो के नहीं उठता हूँ, ऐसे मतलब छोटा मोटा एक दो प्रॉब्लम, लेकिन वो बाई चांसली होता है। मैं 8:05 में कभी वीडियो अपलोड नहीं, लेकिन 95% 8:05 में मेरे वीडियोस अपलोड हो जाते हैं यूट्यूब पे। वही कहना था मुझे नए लोगों से, अगर आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आप लोगों को एंटरटेन करना कभी नहीं छोड़ूंगा, हर वक्त मैं आप लोगों को एंटरटेन करते रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के दिन में हम मस्त फिशिंग करने गए थे, मौसी के घर पर गए थे, और वहाँ पर एक गड्ढे में पानी था थोड़ा सा, तो जाली वाली से हमने वहाँ पर मच्छी पकड़े। सिर्फ 5 ही मच्छी मिली थी वहाँ पे दोस्तों, मच्छी वहाँ पर काफ़ी सारे थे, लेकिन कैसा 2-2 फुट करीब, ऐसा एक हाथ जितना पूरा दलदल था वहाँ पे, पानी के नीचे कीचड़ था, दलदल था, जिसके कारण मच्छी वो दलदल के अंदर घुस जा रही थी और जाली में नहीं फंस रही थी, जिसके कारण ज़्यादा मच्छी नहीं मिले। ऐसे ही रहा दोस्तों आज का दिन। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो मेरे कैसे लग रहे हैं एक बार जरूर बताओ दोस्तों, मुझे तो पता चले आप लोग क्या सोच रहे हो, मैं तो सिर्फ अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग क्या सोच रहे हो, आप लोगों की ओपिनियन क्या है मुझे वो भी जानना है। तो आप लोग थोड़ा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, और नए लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। अभी मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।